फाइनली स्टूडेंट्स मुझे मिल चुका है असली पेपर कक्षा 12वीं का सब्जेक्ट इंग्लिश का, जो आपको 14 सितंबर को यानी आज जो पेपर होने वाला है। तो ये पेपर मुझे सुबह सुबह अभी हाल एक जन ने स्कूल से फोटो इसके भेजी है, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए पेपर बता दूं ताकि आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। क्योंकि आप लोगों को कमेंट आ रहा था कि सर बताइए कि क्लास 12th का इंग्लिश का पेपर अगर किस प्रकार से आने वाला है, तो मैंने इसमें सब सुनो से बताया है कि आपका किस प्रकार से निबंध आया है, किस पे आप लोगों का एप्लीकेशन आया है, किस प्रकार से आप डुअल टास्क करेंगे, तो सब वो सोल्यूशन मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है, फिर आप लोग कहने लगते हैं कि सर जो आपने बताया था वो समझ नहीं आया। तो चलिए इस प्रकार से आप लोग समझ रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से रहेगा आपका पेपर। जैसा कि आप लोग देख सकते हो सेक्शन ए में आप लोग सामने रहेगी आंसर पैसेज, जो आंसर पैसेज इस प्रकार से रहेगी। तो जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं आंसर पैसेज 5 नंबर की आती है, जिसमें हम लोगों को आंसर को पूरी तरह से अच्छी तरह से रीड करना पड़ता है। रीड करने के बाद आपको पूरे सामने जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो क्वेश्चन देख रहे हो, इन क्वेश्चन का वो आंसर उसी में से छांट के या ढूंढ के लिखना पड़ता है। ठीक, चलिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो पहला लिखा है आपका जटा का स्टोरीज आर द रिलेटेड टू द प्रोड्यूस द इनक्रिएशन ऑफ। तो इसमें आप लोग समझ क्या है, तो इसमें आप लोग ढूंढ सकते हो। तो जहाँ पर आप लोगों को जहाँ पर मिल जाए तो आप उसका आंसर ढूंढ सकते हो। ठीक, तो इसमें आपको ढूंढना है। तो जैसे मैंने ढूंढ लिया, मैं इसके आंसर आपको सामने बताने वाला हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर गौतम बुद्धा। ठीक, क्या हो जाएगा गौतम बुद्धा। ठीक, जो बी ऑप्शन है द स्टोरीज आर द राइट एंड द लैंग्वेज, तो कौन सी लैंग्वेज है, तो ये हो जाएगी पाली, यानी कि ए वाला आपका सही है। सी लगा द वाइज एनिमल वाज, सी वाली की बात करते हैं तो सी में हो जाएगा हेयर एच ए आई आर ई। तो सी वाली का हो जाएगा आपको इसमें भरने का एच ए आर ई हेयर। ठीक, डी लगा द स्टोरी आर द राइट एंड द लैंग्वेज, तो इसमें हो जाएगा यहाँ पर डी वाले में लिखेंगे सॉरी हाँ, इसमें हो जाएगा आपको सामने यहाँ पर एक मिनट मैं बता देने वाला हूँ। इसमें इसमें सी वाले में आपको हेयर भर देना है, फिर इसमें ए बगैर। ठीक, इसमें आ जाएगा आपका ए बगैर। ठीक, यहाँ पर दिया गया है, तो आपको इसमें आ जाएगा आपका ऑक्टा जैकर, यहाँ पर आ जाएगा आपका नाम है, मैं बताने वाला हूँ। इसको पहले आप सी डी वाले बी यहाँ पर डी वाले नंबर को छोड़ दीजिए। ठीक, यहाँ पर डी वाले की बी ए बी सी डी ई वाले यहाँ, तो यहाँ पर सक्का इंटर द फॉरेस्ट इन द लैंग्वेज ऑफ द, तो इसमें आ जाएगा ए वाला फर्स्ट ए बगैर। ठीक, फिर ई वाला द जकार्ता स्टोरी कंटे द स्टोरी, तो इसमें हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर, यहाँ पर इस प्रकार से आप लोग 445 यहाँ पर देखेंगे हम थोड़ा इसमें कहाँ पर लिखा है, तो ऐसे आप लोग देख सकते हो 547। ठीक, तो यहाँ पर देखा अपना 547। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर पूरे आंसर मैंने कंप्लीट करा दिए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट वो, नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर फिर आपके सामने फिर उसी दूसरे नंबर के दिए गए आंसर पेज, फिर इस आंसर पेज को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे देखेंगे, फिर इसके बाद जो क्वेश्चन दिए गए इसके आंसर भी हम आपके सामने देखने वाले हैं। चलिए, तो जैसा कि पहला लगा आपके सामने व्हाट डज द डिसिप्लिन डू फॉर द चाइल्ड, तो अगर चाइल्ड की बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा आपके सामने यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें लिखोगे आप लोग फॉर्म चैरेक्टर एंड मेक इन ए डिवाइस क्वेश्चन, तो इसमें आ जाएगा आपका ए ऑप्शन सही है। बी लगा हाउ डज ए बॉय चैरेक्टर फ्रॉम चैरेक्टर फॉर्म में आ जाएगा बोथ द एबव, यानी कि आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही है। सी लगा व्हाट एबल डज ए चाइल्ड फिक्स इन द वैन द हिज अलाउड ऑफ द लाइक, तो सी वाली की बात करें तो सी में आ जाएगा कैसेज कोल्ड ऑफ द फेल्स इन कैसेज कोल्ड द फेल, यानी दूसरा वाला सही है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर मैंने दूसरे वाले की भी आपके सामने ऑप्शन के सही आंसर बता दिए हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट वो, नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर तीसरा वाला था, तो इसकी बात करते हैं आ जाएगा आपका एडॉप्ट थिंग्स द इंजस्ट, यानी तीसरे वाले का सही आंसर है। ई वाले में लगा गिव द सब टाइटल, तो इसमें सब टाइटल क्या है, तो इसमें हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर सब टाइटल की बात करते हैं, तो एक मिनट में यहाँ पर सब टाइटल मैं बताने वाला हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट ऑफ डिसिप्लिन लर्निंग या प्लानिंग, तो क्या होगा इसमें आप लोग बताइएगा। ठीक, तो इसमें आप लोग लिखोगे क्या इंपॉर्टेंट और डिसीजन। ठीक, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट वो, नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर नोट मेकिंग दी गई है, जो नेट मेकिंग आप लोगों को इस प्रकार से करनी है। चलिए मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। इसमें आपको टाइटल देखो, नोट मेकिंग हमेशा आप लोगों को बता दिया जाए 4 नंबर में आती है। इसमें हम इसको टाइटल ढूंढना पड़ता है, फिर लिखेंगे हम टाइटल, फिर लिखेंगे नोट्स, फिर लिखेंगे समरी। तो टाइटल जैसा कि आप लोग जानते हो टाइटल होता है वो जिसके ऊपर आपको एक आंसर पेज दी जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर योगा लिखा होता है या नेम लिखा होता है जिसके बारे में दिया वो आपका टाइटल है। तो यहाँ पर मैं टाइटल की बात करती हूँ, तो टाइटल इसमें हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इसमें देखिए रेलुएशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऐसा हो जाएगा यहाँ से यहाँ से इतना हो जाएगा आपका टाइटल। ठीक, यहाँ से रेलुएशन से यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक, अगर नोट्स की बात करते हैं तो नोट्स आपको इस प्रकार से डालना है NOTS और 1.1 लिख के आप लोगों को जो मोस्ट हैंग है उनको डैश कर दें। जैसे आप एक ए 12 लिख लेंगे, फिर 1.2 डाल के फिर ए लिख लेंगे, 1.3 डाल के ए लिख लेंगे। इस प्रकार से आप लोग मोस्ट जो शब्द है वो लिख लेंगे। इस प्रकार से आप ट्रिक को यूज करके आप लिखोगे तो 4 नंबर है तो आपको 3 नंबर डेफिनेटली मिल जाएंगे। चलिए हमें बात करूँ सेक्शन बी में, सेक्शन बी में आप लोग सामने दिए गए क्या, सेक्शन बी में आप लोग सामने यहाँ पर ट्रांसफर टू दिल्ली यू वांट टू हाउस होल्ड इन ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट ऑफ द पासपोर्ट। आपको यहाँ पर आपके पापा का ट्रांसफर हो गया, इसलिए आपको 50 बार में आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना है। ठीक, तो आप लोग लिखना चाहते हो लिख सकते हो 4 नंबर में। चलिए
चौथी की बात करते हैं, यहाँ पर आप लोग सामने यहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SLC भी आपके सामने एप्लीकेशन आई है। तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और TC पे और छुट्टी पे तीन एप्लीकेशन आपको सीख कर ही जाना है, दो तीन में से आपको डेफिनेटली एक ना एक फंस जाएगी, चार नंबर आपके पक्के हैं। चलिए अगला आप लोग सामने क्या निबंध की बात करते हैं, तो निबंध आप लोग सामने ये दिया है, जैसे आप लोग देख सकते हैं इंपोर्टेंट ट्री ट्री के ऊपर दिया है, स्पोर्ट के ऊपर दिया है, हेल्थ के ऊपर दिया है, इंपोर्टेंट इंग्लिश, तो आप लोग इनमें से चार में से एक कुछ लेना, बट ऑप्शन भी सीख के जाना। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट टू। नेक्स्ट आप लोग सामने सेक्शन सी, सेक्शन सी में देखिए ग्रामर, जो भी देख सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स है, तो हमको हिसाब आपके सामने भरने वाले हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे। ठीक, चलिए जैसे आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर चढ़ा, तो पहले में भरेंगे आप लोग क्या भरेंगे, पहले में भरने आपको क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर सी लेफ्ट भर देंगे, इसमें लगेंगे आप लेफ्ट LEFT लेफ्ट भरेंगे। दूसरे में आप लोग स्विंग का हो जाएगा, स्विमिंग ING जोड़ देना है इसमें। ठीक, इसमें वाले में स्विंग लगना, इसमें ING जोड़ देंगे, स्विंग हो जाएगा। तीसरे वाले का एक किंग, तीसरे वाले में आपको बेयर जोड़ देना है, बेयर। ठीक, चौथे वाले में लग रहे हैं आपको हैज बीन क्लीनिंग, क्या लगेंगे, हैज बीन क्लीनिंग दूसरा वाला। फिर पांच वाले में लग रहे हैं आपको स्पोकन, ठीक स्पोकन। छठे वाले में लग रहा है आपको क्या, च्यूबिंग, च्यूबिंग जी ए वाला च्यूबिंग। फिर छठ में हो गया, सात में लगे डू नॉट बाई फ्रूट, इसमें हो जाए रोटेंट, रोटेंट। ठीक, ये हो जाए, तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट टू। नेक्स्ट आप लोग सामने डू डैट, जिस प्रकार से दिए गए हैं, जो देख सकते हो यहाँ पर जो पाँच नंबर में है, इन डू डैट को करने के लिए चलिए मैं आपके सामने यहाँ पर बता भी देता हूँ। जैसे कि पहला लगा आप लोग सामने यहाँ पर भाई का प्रयोग करना हमको, ठीक, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम लोग सर्वप्रथम भाई जोड़ देना, ही की जगह पर जोड़ेंगे भाई, मतलब ही की जगह पर हमको भाई जोड़ देना, बाकी सेम टू सेम यहीं तक लिख देना। ठीक, भाई पनिश, भाई बाज ही पनिशमेंट लिखना है, भाई बाज वो पनिशमेंट कर देना, बस इसी बात कुछ नहीं करना। ठीक, चलिए अगला आप लोग सामने दूसरा चेंज टू नेगेटिव, नेगेटिव में हम चेंज करना है, तो नेगेटिव में चेंज करना है, तो हम आई डिड नॉट जोड़ देंगे यहाँ पर, आई आई के बाद हम डिड नॉट जोड़ देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से इनको कर लेना, कोई भी डिफेंड नहीं, अगर आपको वहाँ पर नकल करने को मिले तो नकल भी कर सकते हो, एक दूसरे से पूछ सकते हो। ठीक, चिट्ठी लेके नहीं जाना नकल की। ठीक, मैंने कहने का है कि अगर आपके कोई फ्रेंड है बगल में तो एक दूसरे से पूछ के भी कर सकते हो। ठीक, चलिए अगला आप लोग सामने सेक्शन डी, सेक्शन डी में आप लोग सामने हैं एक्सट्रैक्ट। ठीक, इसको हम लोग पहले आप लोग को अच्छी तरह से इसको रीड कर लेना, फिर आपके सामने क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चन के आपको आंसर देना है। ठीक, तो पहले क्वेश्चन का जैसे कि यहाँ पर लगा है ट्रेक का सीक्रेट मीन्स, तो इसमें हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ड्रिफ्टेड, क्या हो जाएगा एक मिनट बताने वाला हूँ आपके सामने। हाँ, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसमें हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पर हो जाएगा ये दूसरे वाले डी ऑप्शन से हो जाएगा भारत द जा द वर्ल्ड ऑफ द ब्रेजिट मीन्स, तो मीन्स वाले में आपको करना करना है, मीन्स वाले में आप लोग कर ले देना क्या, सी वाला ऑप्शन से। तीसरे वाले आई वांट टू लेक, इसमें आप लोग सामने यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, तो इस प्रकार से आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए क्वेश्चन में आर्मी की बात करते हैं, तो आर्मी में आप लोग सामने इस प्रकार से दिए गए, इसको पढ़ के आप लोग के सामने फिर क्वेश्चन दिए गए, तो इन क्वेश्चन को फिर से आप कर देते हो। ठीक, इसमें आप लोग के सामने बता दूँ, तो पहले में आ जाएगा आपका बी वाला लेफ्ट, ठीक लेटर। दूसरे में आ जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर यहाँ पर क्वार्टर, क्या आ जाएगा डी वाला क्रोफेट। तीसरी की बात करते हैं, तीसरी में आ जाएगा अननेचुरल, यानी अननेचुरल, ठीक ये वाला, और तीसरी की बात है आपका हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर नौवा, नौ में हमारे आप लोग सामने यहाँ पर देख सकते हो ये वाला पूरी दी गई है, इसको पढ़ना पहले, इसके बाद आप लोग सामने क्वेश्चन दिए, इनको क्वेश्चन करना है। चलिए नौवे वाले कर लेते हैं हम लोग, तो नौवे का पहले में लिखोगे आप क्वेश्चन, पहले का लिखोगे ब्यूटी BEAUTY, दूसरे में लिखोगे ए थिंग ऑफ ब्यूटी, थी ए थिंग ब्यूटी लिख देंगे दूसरे में। तीसरे वाले में लिखना आपको तीसरे वाला, दूसरे का हो जाएगा ए थिंग ब्यूटी हो जाएगा। तीसरे वाले की कहते हैं तीसरे वाला है, जो जब भी मैं अपने वीडियो के कमेंट रीड करता हूँ तब आपकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है कि सर जो पेपर आपने अभी हमें बताया है वीडियो के माध्यम से इसका हमें पीडीएफ फाइल दे दीजिए और इसकी सॉल्यूशन की भी पीडीएफ फाइल दे दीजिए। तो फाइनली मैं आपके लिए बता रहा हूँ किस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से इसके सॉल्यूशन जो पेपर मैंने बताया इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गूगल पे आकर यहाँ पे टाइप करना होगा आपको studynotespj.com, ठीक है। तो अपने मोबाइल में यहाँ पे आपको टाइप कर लेना होगा studynotespj, जैसे आप studynotespj सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा आपका studynotespj.com, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, फिर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साफ साफ देखने के लिए आपको मिल जाएगा कि नंबर वन प्लेटफॉर्म फार्मेसी पेपर जो सॉल्यूशन है उसके लिए यहाँ पे बनाया गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नीचे आपको स्पॉट पर आना है और यहाँ पे देखिए जॉब बाय क्वालिफिकेशन में यहाँ पे आपको देखेगा एमपी बोर्ड, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे आपको देखेगा एमपी बोर्ड, तो एमपी बोर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। एमपी बोर्ड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेगा मध्य प्रदेश बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा असली पेपर हल पीडीएफ 2024, ठीक है। तो यहाँ से आपको त्रैमासिक पेपर भी मिल जाएंगे और पेपर का यहाँ पे सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो विद्यार्थियों अब यहाँ पे देखने वाली बात यह होगी कि ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा इस टेबल को। तो देखिए अगर आप कक्षा नौवीं में है तो आपके पेपर जो है यहाँ पे दिए गए, ठीक है, सारे के सारे। और अगर आप कक्षा दसवीं में है तो आपके पेपर यहाँ पर नीचे वाली तारीख में दिए गए, मतलब 10 के नीचे 10 के पेपर है, 11 के नीचे 11 के हैं, इसी प्रकार से 12 के नीचे 12 के हैं। अभी मैं आपको किसी एक कक्षा का बता देता हूँ, सभी कक्षा के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत होगी, ठीक है। तो कक्षा 11वीं के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे कक्षा 11वीं के हिंदी विषय का हम देखेंगे तो विद्यार्थियों कक्षा 11वीं हिंदी के लिए यहाँ पे दो सेट का अवेलेबल है, सेट ए और सेट बी। तो अभी के लिए
सेट एक आपको दिखा देता हूँ, सेट बी का आप डाउनलोड कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो इसी प्रकार से सभी क्लास के लिए आप कर लेना। तो यहाँ पे देखिए मैं सेट बी पे क्लिक, सेट ए पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने सेट ए पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए 13 सितंबर का असली पेपर पीडीएफ के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी का ये दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद विद्यार्थियों ये देखिए बिल्कुल असली पेपर डाला हुआ, देख लीजिए पूरा पूरा पेपर है। तो यहाँ से पूरा पेपर आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो डेट वगैरह देख सकते किस तारीख को आपका पेपर है, ठीक है। यहाँ पे पूरा टाइम टेबल डाला हुआ है, पूरा पेपर आप देख लीजिए। सबसे पहले देख लीजिए मैं जैसे जैसे स्क्रॉल करता जाऊंगा आपको संपूर्ण पेपर दिख जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से सभी क्लास के लिए आपको देखने के मिलेगा, सभी क्लास के पेपर संपूर्ण पेपर आपको देखने के मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आप तमाम से टाइम टेबल देख सकते हैं, इस प्रकार से टाइम टेबल बुरी कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आप नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे आपको सिलेबस भी देखने के लिए मिल जाएगा, क्या आपकी परीक्षा में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 13 सितंबर को आपका यहाँ पे पेपर है, ठीक है। सब कुछ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब आते हैं हम मेन पॉइंट पर। देखिए मेन पॉइंट आपका यही है कि देखिए ये जो यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, महत्वपूर्ण स्टेप जो दिए गए हैं त्रैमासिक पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, तो ये सारे पॉइंट आपको पढ़ लेने होंगे तभी आपको पेपर मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 25 सेकंड आपको रुकना होगा, तब आपको हला कलर का जो है डाउनलोड का बटन दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए हम ऑलरेडी 25 सेकंड से ज्यादा यहाँ पे वेट कर चुके हैं, इसलिए डाउनलोड का बटन शो हो रहा है। अब इस डाउनलोड के बटन पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन की पीडीएफ आ चुकी है। इसी प्रकार से पेपर की पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे फोटो जो हार्ड डिस्क में लगाना आपको चीज बनाई हुई है, शेल्टर के लिए शेल्टर, ठीक, शेल्टर अंडर द शेड, इस प्रकार से लिख देना। चलिए मैंने मुँह से बोल दिया, आप लोग लिख लेना। जी क्वेश्चन नंबर बी का देख रहे हैं हम लोग, 9 मेगा बी, ठीक। 9 मेगा बी की बात करते हैं तो पहला लगा आप लोग सामने नेम ऑफ द पोएट, तो पोएट का नाम क्या था, तो पोएट का नाम था ए वाला लिख देंगे। भारत देश द मीनिंग दी, इसमें आपको बी वाला कर देंगे, इस प्रकार से आप लोग कर लेंगे। चलिए अगला आप लोग सामने क्वेश्चन जो लोग देख सकते हो, इन क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हो, 5 नंबर करना है इनमें से दिए गए हैं, 6 में से कोई 5 करना है, जो दो दो नंबर में दिए गए हैं यानी 10 नंबर हो जाएंगे। फिर आप क्वेश्चन नंबर 11 में 6 3 करना है, दो दो नंबर के, तो आप लोग देख सकते हो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इनको भी सीख के जाना है। चलिए और इसके आगे दिखा देता हूँ, तो देख लीजिए ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पूरे क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा। और इसके बाद मैं आप लोग बता देता हूँ, बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर अच्छा ही जाएगा। पेपर देने के बाद आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप इंग्लिश के पेपर के बाद आपका जो पेपर होने वाला है उसका भी संपूर्ण सोल्यूशन लाने वाला, जितने लोग यहाँ तक सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितने भी लोग हैं। हाँ, जैसे आप लोगों ने कर लिया, जिन लोगों ने किया कोई बात नहीं, फिर भी कर लीजिए, ताकि इसका नेक्स्ट वाला पेपर ला रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जय भारत।